अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरोफियत से होंगे। आज हम 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज के मुताबिक करेंगे। जैसा कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर 2 - x² = 7x है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज से मुराद के जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का है, हम माइनस का है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का है दूसरी साइड पे आके माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस 7x उसी तरीके से ही रहेगा। हमारी एक्स की वैल्यू है ये 1 है, जबकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 और एक्स की वैल्यू है हमारे पास 7 और सी की वैल्यू है हमारे पास -2। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है, जिसमें सबसे पहले भी हमने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसी चैनल पे मौजूद है क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा क्या है। और इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास x = -b + -b² - 4ac / 2a। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज कौन सी पुट करेंगे? ये वाली वैल्यूज। b की जगह पे 7 पुट करेंगे, जबकि c और a की जगह पे 1 और c की जगह पे -2 पुट किया। नीचे भी इसी तरीके से 2 वैसे ही रहेगा और a की जगह पे 1 हम लगा देंगे। 7 का स्क्वायर जोन सा होता है वो 49 के इक्वल होता है, और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और 2 4 = 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे आ जाएगा 49 + 8, ये प्लस हो रहे हैं, 49 में जब 8 प्लस करेंगे 57 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट, ये आंसर आएगा वो हमारा है -7 + -57 का स्क्वायर रूट / 2। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जोन सा है एक्सरसाइज 1.2 का, वो भी सेम इसी तरीके से होगा, उसमें भी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। और ये जोन से है क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लाहौर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से।